Good morning, class 2 students. So this is a chapter and that is a windy day. In this chapter, we will discuss about different signs that are used in English. So for a sentence, there is so many signs are used, like comma, semicolon, then exclamatory sign, question mark. So there is so many kinds of signs are there. So every kind of signs have the meaning. हर कोई sign का अलग अलग मीनिंग होता है. सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग समथिंग, हम लोग जैसे बात करते हैं उसमें एक पॉज होता है या फिर कुछ मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है उसको मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, तो उसके लिए अलग सा साइन होता है. हम लोग किसको अगर कुछ पूछ रहे हैं उसका भी बोलने का तरीका अलग होता है. सो देर इज वी आर जस्ट यूजिंग द क्वेश्चन मार्क्स. इफ देर इज अ कॉमा दैट मीन्स वी आर गिविंग अ पॉज देर. इफ देर इज अ सेमीकोलन दैट वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि हम लोग कभी भी बात करते हैं तो ये सब सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं. तो सारे जो चीजें होते हैं उसके लिए हर एक के लिए साइन होता है. सो अबाउट दैट साइन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक इज अबाउट एंड वेयर वी आर जस्ट गिव वी शुड गिव द पॉज व्हेनेवर देयर इज ए सेमीकोलन इज देयर. सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द सेमीकोलन एंड हाउ वी कैन यूज एंड प्रोनाउंस दैट सेमीकोलन. So come to the chapter. It is a windy day. So there is a full stop mark. So there is no any kind of question mark, nor any surprising thing. So this is only a simple. It is a windy day. The normal line है, एक हवादार दिन है. जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति में हमारा हवा चलती है वो वैसे वाला एक दिन है. तो we are just saying about this. It is a windy day. So there is a full stop. So there is nothing to say. Let us fly a kite, says Jasveer. So अभी क्या हो गया, यहाँ पर देखो inverted comma है और यहाँ पर एक comma है, says Jasveer. Jasveer क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो इधर है. क्या कह रहा है, Let us fly a kite, चलो हम लोग पतंग उड़ाए. तो यहाँ पर वो जो Jasveer जो कहता है जो चीज वो inverted mark के अंदर है. उसके बाद एक comma है, उसका मतलब ये है वी हैव टू गिव ए पॉज देयर. हम लोग यहाँ पर एक पॉज देना चाहिए, लेट अस फ्लाई ए काइट, तो यहाँ पर एक पॉज देना चाहिए. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड लाइन, वी कैन गो टू द पार्क, सेल्फ मीता लाइक दिस. जैसे कि जसवीर अभी बोला है क्या कि लेट अस फ्लाई ए काइट, वो जो भी इन्वर्टेड मार्क में रहा है ये भी इन्वर्टेड मार्क में रहा है और आफ्टर दैट देर इज ए कॉमा. सो दैट मीन्स दैट इज मीता इज सेम. मीता ये कह रही है, क्या कह रही है, वी कैन गो टू द पार्क, हम लोग पार्क जा सकते हैं. सो व्हाट एवर द मीता इज सेइंग हियर दैट इज इन बिटवीन द इन्वर्टेड मार्क एंड आफ्टर दैट देर इज ऑल्सो ए कॉमा इज देयर, दैट मीन्स वी हैव टू गिव ए पॉज देयर. वी कैन गो टू द पार्क, सेज मीता. दैट नॉट मीन्स देयर वी कैन गो टू द पार्क, सेज मीता, नॉट. दैट इज नॉट ए कम्प्लीट, दैट इज नॉट ए जॉइंटेड देयर एंड दैट इज नॉट ए सिंगल सेंटेंस. We can go to the park, says Mita. तो यहाँ पर जो है word, यहाँ पर जो जितना है वो क्या कह रही है, मीता कह रही है. ये जो line है जो inverted mark के अंदर है, ठीक है. चलो अभी next paragraph. Jasveer and Mita go to the park. यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है. That is only these four lines are the statement about whatever they are doing. Okay. So Jasveer and Mita go to the park. अभी क्या कर रहे हैं, जसवीर और मीता क्या कर रहे हैं, पार्क को जा रहे हैं. यहाँ पर फुल स्टॉप है, दैट मीन दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस एंड देयर इज नो एक्सक्लेमेटरी साइन, नॉट एनी क्वेश्चन मार्क और एनी काइंड ऑफ कॉमा इज देयर. दे ट्राई टू फ्लाई ए काइट, देयर इज ऑल्सो ए फुल स्टॉप देयर, दैट मीन्स दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. दे ट्राई टू फ्लाई ए काइट, फुल स्टॉप, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड. Here, the kite keeps falling to the ground. There is also a full stop. That means the kite जो है वो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और जो kite है वो क्या कर रहा है, downwards, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है. मीता एंड जसवीर keep trying. मीता और जसवीर अपना कोशिश जारी रख रहे हैं. तो ये जो पैराग्राफ हो गया, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है. ये जो इनका काम है, वट एवर दे आर डूइंग इन द पार्क अबाउट दिस, देर इज ओनली द फुल स्टॉप मार्क इज देयर, फोर सेंटेंस इज देयर एंड दीज फोर सेंटेंस आर द कंप्लीट सेंटेंस.
Okay, how we can know that these are the complete sentences? By the full stop here. You can see that four full stops are there after four lines. That means these lines are completed. Then come to the next. Then meter. Look at here. Then के बाद क्या है? कॉमा है. क्यों है? उसके बाद हम लोग जब बोलते हैं कि उसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद के बाद हम लोग ये पॉज रखते हैं. ये जो पॉज होता है ये कॉमा होता है. ठीक है. देन के बाद तुमको थोड़ी देर बाद रुकना है, एक सेकंड के लिए रुकना है. देन मित्र होल्ड्स द काइट. अभी क्या करें? मित्र होल्ड्स द काइट. यहाँ पर देखो लाइन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया है, मतलब बुक में जो दिख रहा है वो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है. दैट मीन्स दिस लाइन इज नॉट कम्प्लीटेड येट. ओके. So then Mita holds the kite and runs. And runs के बाद देखो full stop है. And क्या होता है? वो conjunction होता है. हम लोग grammar में पढ़े हैं, दो line, दो word या फिर दो sentence को जोड़ने के लिए हम लोग जो use करते हैं उसको बोलते हैं conjunction. And is a conjunction here. And there is the kite and runs के बीच में end है. That means it is the joining part of the this line and this word. Okay. So then Mita holds the kite and runs. यहाँ पे runs क्यों लिखा गया है? Run क्यों नहीं लिखा गया है? Because Mita is the kite. No, ये हो गया हमारा. Mita जो होता है जैसे कि you and I होते हैं, तो you के बाद क्या रहता है? R रहता है, फिर I के बाद am रहता है. ये third person singular number इसको बोलते हैं. ये वाला हम लोग पढ़े नहीं, बाद में हम पढ़ेंगे. ठीक है. ये थर्ड पर्सन क्यों बोला जाता है और सिंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है? अगर मीता एंड रीता होते तो यहाँ पर रन होता. ठीक है. तो मीता एंड रीता होते तो दो हो जाते हैं, तो वो सिंगुलर नंबर नहीं होते हैं, वो डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर रन हो जाता है. तो यहाँ पर मीता है तो मीता है सिंगुलर नंबर. तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. फर्स्ट पर्सन आई होता है, यू होता है सेकेंड पर्सन, और थर्ड बाकी जो बच्चे सारे होते हैं थर्ड पर्सन. ओके. सो इन दिस लाइन मीता इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो यहाँ पर क्यों यूज हुआ? इसलिए यहाँ पर यूज क्या हुआ? रन्स यूज हुआ. देन सी साउट्स. सी साउट्स के बाद देखो फुल स्टॉप है. रन्स के बाद फुल स्टॉप है, देन साउट्स के बाद फुल स्टॉप है. दैट मीन्स सी साउट्स वो चिल्ला रही है. क्या चिल्ला रही है? अब काइट, अब काइट को बोल रही है. तो ये भी इंपोर्टेंट मार्क के अंदर क्यों है? बिकॉज सी इज सेइंग अबाउट दैट काइट. अब काइट अब. सो This line is stated by whom? By Mita. Okay. So then come to the last stanza of this poem. The wind takes the kite up in the sky. So in this line also you can see the full stop here. Okay. There is no full stop in this line, and full stop is in the second line. So this line is not completed here. This line is completed in the second line. The wind takes the kite up. इन द स्काई फुल स्टॉप. जसवीर एंड मीता स्माइल्स एट द काइट. अभी जसवीर तो जसवीर और मीता क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं काइट को देखे. यहाँ पर भी देखो ये जो पूरा जो सेंटेंस है, देर इज नो एक्सक्लेमेटरी साइन, नॉट एनी एपोस्ट्रोफ, नॉट एनी इन्वर्टेड कॉमा. बॉय, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अबाउट दैट बॉय एंड गर्ल. हियर इज ऑल्सो इन द सेकेंड स्टैंडर्ड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग, एंड इन ऑल्सो द फोर्थ stanza we have just discussed about that thing. So this much for today. This story also completed. Thank you. Have a nice day.